good morning everyone my name is megha dayani and i am your science teacher before starting today's session let us pray for a while so i request everyone to please join your hands close your eyes and chant the mantra okay come back i hope you all are taking very good care of yourself and even studying and not always sleeping and playing and watching te television and all okay concentrate on your studies also let us come back and start the today's session in the last session we have completed our circulatory system and now two topics are remaining in this chapter that is excretion in animal and the second one is transportation of substances in plants in today's session we are going to learn about excretion in animals Our cell performs their functions. Certain waste products are released. We already know one. We know carbon dioxide is produced whenever our cell does some of the functions during respiration process. It produces carbon dioxide. ऐसे बहुत सारे toxic substances हमारे body में produce करते हैं cell, जिसको हम waste products बोलेंगे और वो toxic होते हैं. इसीलिए हमारी body से उनको remove करना जरूरी होता है. तो ये जो waste product बॉडी से बाहर निकालने जरूरी हैं जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है सेल उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन एंड ऑल द पार्ट्स और द ऑर्गन्स जो जो ऑर्गन्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो साथ में मिला के बन जाती है एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक है और वो ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रोसेस कौन सी हो गई एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या होता है वो समझ में आया वेरी गुड नेक्स्ट यू शूड बी नोइंग द डिफरेंस बिटवीन इजेशन वर्सेज एक्सक्रीशन इजेशन क्या होता है द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इजेशन जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो बॉडी से रिमूव होता है हर रोज़ रिमूव होता है हमारी बॉडी में से जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको बोलते हैं इजेशन है न अभी जो सेल होते हैं ना वो प्रोसेस करते हैं सेलुलर एक्टिविटीज़ करते हैं हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो जब टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और वो रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन तो इजेशन और एक्सक्रीशन अलग चीज़ें हैं इजेशन अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीशन टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ड्यू टू सेल्यूलर एक्टिविटीज क्लियर कौन कौन सी चीज़ें रिमूव हो रही हैं और कौन उसे रिमूव कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस होता है वो हमारी बॉडी में से बाहर रिमूव करने के लिए कौन हेल्प हेल्प करता है तो लंग्स हेल्प करते हैं सो फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट दैट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ रिमूव्ड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन बाय अवर लंग्स दूसरा जो वेस्ट प्रोड्यू प्रोडक्ट्स जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो है यूरिया वॉट एवर एक्सेस वाटर इज देयर विच वी आर नॉट यूजिंग और विच द सेल्स हैव नॉट यूज इन अवर बॉडी और बाकी अनवॉन्टेड सॉल्स दिस ऑल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द किडनी थ्रू यूरिन यूरिन के फॉर्म में किडनीज के थ्रू पास होकर ये एक्सेस वाटर जिसमें यूरिया और सॉल्ट मिक्स है वो बाहर बॉडी से रिमूव हो जाते हैं तीसरा जो है वो है स्वेटिंग स्वेटिंग मतलब पर्स्परेशन पसीना जो आता है वो स्किन के थ्रू रिमूव होता है उसमें भी सॉल्ट मिक्स होता है एक्सेस वाटर के साथ ठीक है तो ये हो गए तीन वेस्ट प्रोडक्ट्स जो अलग अलग हमारे बॉडी में पार्ट्स जो हैं वो रिमूव करते हैं उनको तो ये सब मिला के क्या बनाएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए तो लंग्स किडनी स्किन लार्ज इंटेस्टाइन लिवर बारी बारी हम लर्न करेंगे हम बेसिकली यहाँ पे ये तीन ही लर्न करेंगे सबसे ज्यादा लार्ज इंटेस्टाइन और लिवर का हमने ऑलरेडी उसमें लर्न कर लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में अभी हम लंग्स किडनीज और स्किन इन तीन का ज्यादा लर्न करेंगे तो सबसे पहले लंग्स का देखते हैं हम लोग ये हमने लास्ट सेशन में भी सीखा के लंग्स क्या करेंगे जो भी वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट तक लेके आएगी वहां से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक लेके जाएगी वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वहाँ से लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करके एक्जलेशन के थ्रू हमारे नाक से बाहर चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड है ना तो लंग्स ने हेल्प किया टू तो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अवर बॉडी ये एक क्लियर हो गया दूसरा क्या था किडनीज तो किडनीज के बारे में लर्न करने के लिए हमें यूरिनरी सिस्टम लर्न करनी पड़ेगी यूरिनरी सिस्टम क्या करती है हमारी बॉडी में जो भी एक्सेस यूरिया है वाटर है एक्सेस वाटर है सॉल्ट है ये तीनों चीज़ें यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी में से रिमूव करने में हेल्प करती हैं तो इसको भी हम अलग नाम दे सकते हैं यूरिनरी सिस्टम ठीक है कैसे होता है देखो यहाँ पे मेन जो जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कौन कौन से ऑर्गन्स मिला के पूरी यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं तो किडनीज़ होती हैं उसमें कितनी दो यूरेटर्स होते हैं कितने दो यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा ये सब मिला के बनाएंगे यूरिनरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम का काम क्या है मेन वो लोग यूर, वो यूरिया एक्सक्रीट करेगा हमारी बॉडी में से ठीक है किसके थ्रू एक्सेस वाटर जो भी जा रहा है बॉडी में से बाहर वो जो कोई काम का है नहीं यहाँ पे देखो हाइलाइटर से मार्क किया गया है दो बीन जैसे ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं किडनीज वो रेड हाइलाइटर से टिक मार्क किए गए हैं और दो यूरेटर्स हैं यूरेटर्स हैं वहाँ पे उस यूरेटर्स के साथ साथ किडनी से नीचे जा रहे हैं देखो वहाँ पे भी मार्क किया गया है तो यूरेटर्स किससे किसको बोलते हैं वो आप अच्छे से वहाँ पे देख सकते हो दो हैं लेफ्ट में और राइट में वैसे ही किडनीज भी ठीक है अभी ये काम कैसे करेगा तो देखो जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना वो क्या होगा अभी ब्लड में मिक्स होगा अभी जो भी वो वेस्ट हमारे ब्लड में है उसे हमें बॉडी से बाहर निकालना है पर ब्लड जो है ना वो कॉन्स्टेंटली किडनीज के थ्रू पास होता रहेगा तो जैसे ही वो ब्लड दोनों किडनीज के पास पहुंचेगा ना तो वो ब्लड में पहले तो यूजफुल और हार्मफुल दोनों सब्सटेंसेस होंगे तो ब्लड जो है ना पहले फिल्टर करेगा जो भी काम की चीज़ें हैं ना वो वापस दे देगा उनको मतलब ब्लड उसको वापस अब्जॉर्ब कर देगा और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो भी काम की चीज़ें नहीं हैं वो वहां पे फिल्टर हो जाएंगी कौन करेगा फिल्टर उसको ब्लड कैपिलरीज कैपिलरीज फिल्टर करेंगे किसकी कैपिलरीज जो ऑलरेडी किडनी में प्रेजेंट होती हैं वो कैपिलरीज ब्लड को फिल्टर करेंगी और यूजफुल सब्सटेंसेस वापस ब्लड अब्जॉर्ब कर लेगा और जो भी वेस्ट होगा वो वाटर के साथ डिजॉल्व होके यूरिन के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा है ना अभी कैसे होगा किडनी से वो यूरिन कहाँ पे जाएगा यूरिनरी ब्लेडर में यूरिनरी ब्लेडर तक कौन लेके जाएगा उसको यूरेटर लेके जाएगी अब देखो यहाँ पे डायग्राम में आप क्लियर हो गए किडनी जो सबसे पहला लेबलिंग है किडनी देखा वहाँ पे फिल्ट्रेशन करेगी कैपिलरीज और फिर नीचे देखो पाइप जैसा जा रहा है जिसको बोलते हैं यूरेटर यूरेटर कहाँ पे कनेक्टेड है यूरिनरी ब्लेडर में तो वो किडनी से अभी जो भी वेस्ट यूरिन पास हो रहा है वो यूरिनरी ब्लेडर तक पहुँच जाएगा यूरिनरी ब्लेडर तक कौन लेके आएगा उसको तो यूरेटर लेके आएंगी यहाँ तक क्लियर हुआ लास्ट लाइन वापस देखो इट इज स्टोर्ड इन द ब्लेडर एंड इज पासड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्क्युलर ट्यूब कॉल यूरेथ्रा सारे नाम इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड कर रहे हैं कंफ्यूज मत हो जाना है ना डिफरेंस है उसमें सिमिलर है सेम है ऐसा नहीं बोला मैंने तो अभी यूरिनरी ब्लेडर तक पहुंच गया यूरिनरी ब्लेडर क्या है मस्क्यूलर ट्यूब है जिसके पास नीचे ओपनिंग होता है यूरिनरी ओपनिंग तो यूरेतरा जो कि मस्क्यूलर ट्यूब है उसके ओपनिंग में जिसको बोलते हैं यूरिनरी ओपनिंग वहाँ से यूरिन बॉडी में से वेस्ट को लेके बाहर रिमूव हो जाएगा ठीक है तो किडनी से कहाँ जाएगा यूरिनरी ब्लेडर में यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर रहेगा क्या यूरिन कौन लेके आएगा यूरेटर तो हम ऐसे बोल सकते हैं यूरेटर है वो किडनी और यूरिनरी ब्लेडर को दोनों को कनेक्ट करता है अब यूरिनरी ब्लेडर में मस्कुलर ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा उसके ओपनिंग जो है यूरिनरी ओपनिंग वहां से यूरिन बॉडी से रिमूव हो जाएगा अब यूरिन में क्या क्या होगा सॉल्ट यूरिया और वेस्ट वाटर एक्सेस ऑफ वाटर विच इज वेस्ट ना तो वो मिक्स हो जाएगा सब पानी में यूरिया और सॉल्ट और वो एक्सेस वाटर यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर चला जाएगा क्लियर हुआ यहाँ तक सबको अभी देखो एक एक का फंक्शन बारी बारी देखते हैं किडनीज़ किडनीज़ का काम क्या था द किडनीज़ मेक यूरिन बाय फिल्टरिंग वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर from द ब्लड किडनीज में फिल्ट्रेशन हो रहा था काम की चीज़ें चली जा रही थी अभी जो वेस्ट है वो बन वो वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज से फिल्टर होके यूरिनरी ब्लेडर तक जा रहा है तो वो वेस्ट जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं यूरिन तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो किडनीज हैं वही यूरिन बना रही हैं कैसे बना रही हैं बाय फिल्टरिंग वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड अभी दूसरा यूरेटर्स यूरेटर्स क्या हैं दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दैट कनेक्ट द किडनी एंड द यूरिनरी ब्लेडर टुगेदर किडनीज और यूरिनरी ब्लेडर के बीच का जो कनेक्शन है उन दोनों को जो कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं यूरेटर्स फिर आता है यूरिनरी ब्लेडर यूरिनरी ब्लेडर में क्या होता है यूरिन प्रोड्यूस बाय बॉडी इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लेडर यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन स्टोर होता है किडनी से जब यूरिन बना यूरेटर से पास होकर यूरिनरी ब्लेडर तक गया अभी यूरिनरी ब्लेडर में वो स्टोर होगा फिर यूरेथ्रा क्या करेगा यूरेथ्रा के पास ओपनिंग होता है जिसको बोलते हैं यूरिनरी ओपनिंग वहां से यूरिन पासस आउट ओके क्लियर अभी यूरिन क्या है एक्सेस वाटर प्लस वेस्ट है तो जो भी एडल्ट ह्यूमन बींग होता है ना वो नॉर्मली वन टू वन पॉइंट एट लीटर जितना यूरिन पास करता है अपनी बॉडी में से इन ट्वेंटी फोर आवर्स मतलब एक दिन में ठीक है और द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमस इज यूरिया और जो भी ज्यादा वेस्ट जो हर मेजर जो प्रोड्यूस होता है हर एक ह्यूमन बींग में वो होता है यूरिया तो यूरिन में क्या क्या होता है इट कंसिस्ट ऑफ टॉक्सिक वेस्ट ऑलमोस्ट टू पॉइंट फाइव परसेंट जितना वेस्ट होता है यूरिया कितना होता है टू पॉइंट फाइव परसेंट जितना और वाटर कितना होता है नाइन्सेंट ऑब्वियसली ये सारे वेस्ट जो हैं वो एक्सेस वाटर जो बॉडी में था उसके साथ मिक्स होकर बाहर जा रहे थे ना तो अकेला यूरिया सिर्फ टू पॉइंट फाइव परसेंट है और बाकी जितने भी सोल्ट और वेस्ट है वो सब मिला के टू पॉइंट फाइव परसेंट है बाकी एक्सेस वाटर तो था ही तो नाइन्टी फाइव परसेंट वाटर तो है ही तो वाटर में जितनी भी वेस्ट मिक्स हुई उन वेस्ट में से सबसे ज्यादा वेस्ट कौन सा होता है तो यूरिया विच इज ऑलमोस्ट टू पॉइंट फाइव परसेंट क्लियर यूरिन में क्या क्या होता है और कितना पास आउट होता है ट्वेंटी फोर आवर्स में हर एक ह्यूमन बींग में क्लियर ओके okay. अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं डायलिसिस ठीक है अभी डायलिसिस क्या है जब भी, भी किसी इंसान की किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई सपोज़ या तो उसको कोई इन्फेक्शन लग गया या तो उसको कोई इंजरी हो गई तो उसकी वजह से उसकी किडनीस काम नहीं कर रही अभी अगर किडनीस काम नहीं कर रही है तो यूरिन तो बनेगा नहीं ना अभी क्यों यूरिन नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा ही नहीं कैपिलरीज के थ्रू तो अभी फिल्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में था वो ब्लड में ही रहेगा किडनीज उसको फिल्टर कर ही नहीं पाएंगी तो वो जो भी वेस्ट है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा ब्लड में मतलब जमा होता जाएगा जिसकी वजह से किडनी का फेलियर हो जाएगा मतलब किडनी पूरी खराब हो जाएगी है ना अभी ये जो इंसान है जिसकी किडनी ख़राब हो चुकी है और किडनी ख़राब होने की वजह से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था ब्लड में वो ब्लड में जमा होने लगा उसकी वजह से वो इंसान अभी ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाएगा अगर उसको ज़िंदा रहना है तो उसका ब्लड जो है वो फिल्टर होना ज़रूरी है तो एक आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं एक मशीन होता है जैसे आप बाजू में जो इमेज दिया है उसमें देख सकते हो एक मशीन होता है जिसको आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं जिसमें थोड़े थोड़े समय पे जिस इंसान की किडनी ख़राब हो चुकी है उसका ब्लड उस मशीन के थ्रू फिल्टर होता है और इस प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं तो जिस किसी की भी किडनी ख़राब हो गई है उसकी वजह से अगर उसके ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो रहा है उसमें वेस्ट जमा होता जा रहा है तो वो ये डायलिसिस मशीन के थ्रू ब्लड को फिल्टर करते हैं जो आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है और ये प्रोसेस हो गया डायलिसिस क्लियर हो गया सबको अभी देखो हमने बोला था तीन ऑर्गन हम मेन लर्न करेंगे एक्सक्रिटरी सिस्टम में तो हमने लंग्स देख लिया किडनीज भी देख लिया अभी स्किन के बारे में बात करेंगे तो स्किन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट जो रिमूव होता है वो क्या होता है स्वेटिंग स्वेटिंग पहले भी मैंने बोला क्या है पसीना तो समर डेज में जब कभी भी एकदम हॉट समर डे होता है मतलब बहुत 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 धूप है तो क्या होगा ज़्यादा ही सबको पसीना होगा ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट बॉडी में से रिमूव होगी अभी उस स्वेट में होता क्या है द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट उसमें क्या क्या होता है पानी होता है और सॉल्ट होता है ठीक है तो जब कभी भी आप देखना जब कभी भी स्वेटिंग होती है ना तो अगर white patches are formed on your clothes especially in the areas like under arms these marks are left by salts present in the sweat. एकदम वाइट वाइट पैचेस हो जाते हैं आपकी क्लोथ्स पे बाजू में पिक्चर भी दिया है देखो आप जब कभी भी खेल रहे होते हो तो भी आप देखना ऐसे पैचेस हो जाएंगे ये क्यों हो, हो रहा है क्योंकि जो स्वेटिंग रिमूव स्वेटिंग से जो वेस्ट हमारी बॉडी में से रिमूव हो रहा है ना उसमें सिर्फ पानी नहीं है उसके साथ सॉल्ट भी मिक्स है इसीलिए ऐसे पैचेस हो जाते हैं और ये स्वेट क्या करता है हमें हेल्प कैसे करेगा जैसे ये वेस्ट पूरा हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा ना तो स्वेटिंग होगा ना तो हमारी बॉडी एकदम कूल cool होगी अंदर से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना बाहर के टेम्परेचर की वजह से तो स्वेटिंग अगर हो जाएगा देन माई बॉडी विल बी एबल टू कूल ठीक है तो वेन एवर वी स्वेट स्वेट ऑल्सो हेल्प्स एस टू कूल आवर बॉडी यहाँ तक सबको क्लियर हो गया the way in which waste chemicals are removed from the body of an animal depends on the availability of the water kis tarike se waste jo hai jo chemicals hain wo remove ho rahe hain body mein se wo depend karega ki kaun se animal mein se kaise remove hoga wo depend karega water ki availability ke upar अभी human being में जो major excretory product था वो कौन सा था urea था हमने देखा था 2.5 परसेंट था है ना पर जो भी एक्वाटिक एटिबल्स होते हैं जैसे कि फिश वो अपने जो भी वेस्ट एक्सक्रीट करती है ना सेल सेल का वेस्ट उसमें एमोनिया ज़्यादा होता है और एमोनिया है ना वो डायरेक्टली पानी में डिजॉल्व हो जाएगा ठीक है और बहुत सारे लैंड एनिमल्स जो हैं जैसे कि बर्ड्स लिजर्ड स्नैक ये सब लोग सेमी सॉलिड वाइट कलर कंपाउंड एक्सक्रीट करते हैं जिसमें होता है यूरिक एसिड ओके तो यहाँ पे हमने एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन इन एनिमल्स हमने समझ लिया एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमने देख लिया ह्यूम्स का हमने डीप में लर्न किया अभी नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स इसके बारे में हम लर्न करेंगे नेक्स्ट सेशन में आज के लिए इतना ही स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी लर्न वेल ईट वेल थैंक यू सो मच